कांग्रेस पार्टी के शीर्ष कमान ने कल देर शाम लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें महाराजगंज जनपद के बाहुबली पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की सुपुत्री तनुश्री त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया। अभी कुछ ही दिन पहले शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया था। जिले के लोग सोच रहे थे कि तनुश्री किस पार्टी में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी सस्पेंस बरकरार था और उधर प्रसपा भी सोच रही थी कि तनुश्री किस पार्टी का दामन थामेंगे। तभी आज लगभग 11 बजे कांग्रेस ने तनुश्री का काटकर पूर्व सांसद स्वर्गीय हरभजन सिंह की सुपुत्री सुप्रिया सिंह श्रीनेत को अपना उम्मीदवार बना दिया। आज उनके टिकट मिलने से पूरे जनपद में उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनके पिता हर्षवर्धन जी जिस तरह से उनका संघर्षों का इतिहास रहा है, उनके विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आज उनके टिकट मिलने से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हम बधाई देते हैं। यह सीट उनको जिता करके हम देंगे, जिससे राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे जनपद में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर सुप्रिया जी को टिकट मिलने से। नीचे पहला कांग्रेस से जो आज माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जो निर्णय लिया है, आज ये उचित निर्णय है। उसकी सराहना हर कार्यकर्ता, हर नेता हमारे जनपद का कर रहा है और उसी उत्साह के बल पर लगा है कि हमारे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अच्छा निर्णय लेकर के जो एक योग्य और सुयोग्य माननीय हर्षवर्धन जी की जो सुपुत्री हैं उनको दिया है टिकट। उसी से उत्साहित कांग्रेस के हमारे हर कांग्रेस जन हैं और अपने इस बूथ से जीता करके और इस लोकसभा से जीता करके एक कांग्रेस के ये झोली में एक सीट देंगे। तनुश्री से क्या नाराजगी थी महाराजगंज के कांग्रेस? नहीं, उन पर हम कोई बात नहीं करेंगे। एक नेता विहीन हो गया था माननीय पूर्व सांसद हर्षवर्धन जी के न रहने से। ये महाराजगंज बिल्कुल एक नेता विहीन हो गया था, कोई मार्गदर्शन नहीं करने वाला था। लेकिन आज उनकी पुत्री सुप्रिया श्रीनेत जी को कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी के द्वारा टिकट दिया गया है। इससे पार्टी मजबूत होगी और हम लोग 2019 में माननीय सुप्रिया श्रीनेत जी को महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में चुन के दिल्ली भेजने काम करेंगे।